नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें निफ्टी 50 0.84% ऊपर जाता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 1% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली मार्केट एडवांस के फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका रीज़न है RBI। RBI ने आज 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी पुश दिया है हेल्थ केयर सेक्टर को, जिसके कारण फार्मा स्टॉक्स में और हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स में आपको शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या ये लिक्विडिटी के कारण मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, नहीं आ सकती, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी ने आज बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाया है। मार्केट को पहले ही न्यूज़ मिल चुकी थी, न्यूज़ आ चुकी थी कि कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, तो शुरुआत में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। 10 बजे बाद से अनाउंसमेंट की शुरुआत हो गई और शानदार तेज़ी आई, फिर से गिरावट आई और एक बाद में वॉलेटाइल मूवमेंट के बाद मार्केट हमें ऊपर जाकर क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर आपको ज़्यादा काम होता हुआ नजर नहीं आया, ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। पूरे मार्केट को ये न्यूज़ खींचकर चली जाएगी, एकदम शानदार तेज़ी 15,000-15,500, एक बुल रन हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। ये जो न्यूज आई है उसके कारण आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में, पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी दिखाई पड़ सकती है, जैसे आज हमें हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिला, फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिला। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड भी न्यूज है कि मॉरेटोरियम तो नहीं लाया जा रहा, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हो सकता है, जिसके कारण बैंक निफ्टी में भी 1.5% के आसपास की तेजी थी, लेकिन पूरे मार्केट को ये ऊपर ले जाए ऐसी न्यूज मुझे पर्सनली दिखाई नहीं पड़ रही है। आज जो क्लोजिंग हुई है अच्छी हुई है, 20 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर होती हुई भी नजर आती है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का लेवल 50 दिखाई दे रहा है, जो कि हमें स्ट्रांग दिखाई देता है, ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं कहेंगे लेकिन न्यूट्रल टू स्ट्रांग कंडीशन यहां पर दिखाई देती है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 15,000 का तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता सिग्निफिकेंट तेजी हमें दिखाई नहीं पड़ सकती, और जब तक 14,200 का लेवल टूट नहीं जाता हमें सिग्निफिकेंट गिरावट भी दिखाई नहीं पड़ सकती, तब तक मार्केट हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्वार्टर फोर में नेट प्रॉफिट 282% बढ़ता हुआ नजर आया, तो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। विप्रो ने 16 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया है लंदन में इनोवेशन सेंटर के लिए, तो ये पॉजिटिव बात है विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए। कैबिनेट ने IDBI बैंक में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। IDBI बैंक में यहाँ पर ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जिन्हें पसंद है, जो PSU स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए निवेश करना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।